टीकमगढ़ जिले में दौरे पर आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस की बड़ी दुर्गति हो रही है, वह खुद ही अपनी नैया डुबाने में लगे हैं। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान आज पृथ्वीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर जिले के तकरीबन एक दर्जन गाँव में जन दर्शन कार्यक्रम करने आए और उस दौरान उन्होंने गौर गांव में एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए जनता से जनमत देने की अपील की और पुरानी योजनाओं को जन जन तक उनका लाभ पहुंचाने की बात कही। टीकमगढ़ से मनोज खरे की रिपोर्ट। कांग्रेस की तो बड़ी दुर्गति हो रही भैया, अच्छी चलती ही सरकार, अमरिंदर सिंह जी, कैप्टन अमरिंदर जी पंजाब के मुख्यमंत्री थे, पता नहीं राहुल भैया को क्या सूझा, उनको हटा के चन्नी जी भेज दिया सिद्धू जी के चक्कर में। अब सिद्धू जी भी छोड़ के भग गए, ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम, अच्छी चलती चलता ही सरकार टरका दी और देश को खतरे में डाल दिया, पंजाब को अस्थिरता की आग में झोंक दिया। ये कांग्रेस कन्हैया कुमार जैसे लोगों की भर्ती कर रही, जो कहते थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जिन पर देशद्रोह के मामले चले। शर्म आना चाहिए राहुल गांधी को और कांग्रेस को, कहाँ देश को ये ले जाएंगे। अब ये कांग्रेस तो अपने डूबने के रास्ता खुद तय कर रही है, हम क्या कर सकते हैं। ये बर्बाद करने वाली, देश को बर्बाद करने वाली पार्टी, इसको अब जनता भी नहीं छोड़ेगी। अब उन्हें तो आरोप के अलावा कोई दूसरा धंधा थोड़ी है। भैया ये बताओ, मेरा पहले से कार्यक्रम क्यों नहीं जाऊँ जनता में? जनता में जाना जन नेता का कर्तव्य है, कमलनाथ भी आए जनता में जाए। कौन से जन कल्याण के कार्यक्रम चलेंगे? मतलब कांग्रेस जो अच्छे खासे जनता की सेवा के कार्यक्रम चल रहे हैं उनको भी बंद करवाना चाहती क्या? विकास के काम चल रहे हैं उनको भी बंद करवाना चाहती? खुद तो विकास किया नहीं, हम कर रहे हैं तो शिकायतें कर रहे हैं, तीन सीटों में हमने कुछ किया नहीं, तुम्हें भी नहीं करने देंगे। अरे हम तो करेंगे, हाँ आचार संहिता का पूरा पालन करेंगे, क्योंकि कार्यक्रम जो हैं विकास और जन कल्याण के, वो कार्यक्रम का चुनाव नहीं है वहाँ होंगे, पूरे प्रदेश को चुनाव थोड़ी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।